नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंपलीफिकेशन, ठीक है, जो कि आपके मैथ के लिए, कैलकुलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे जब भी आप होगे तो कैसे करते होगे, जैसे 35 × 35 या 35 × 30 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐड करते हैं तो टाइम लगता होगा। तो हम सेकेंडों में सवालों को करेंगे, आपके सामने कुछ सवाल हैं, ठीक है, एडिशन के, तो इनको करते हैं कुछ सेकेंडों में, ठीक है। चलो आइए बोर्ड पर, क्वेश्चन है सबसे पहले। ठीक है, पांच क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है 4 4 4, 4 बार 4 दिया, 3 बार 4 दिया, 2 बार 4 दिया, 1 बार 4 दिया। इसको हम, ठीक है, 1 सेकंड में कैसे करेंगे, 1 से 2 सेकंड में कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें चलते हैं हम, 4 ये है, 3 बार, यहाँ देखो ये 4 कितना बार है, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो देखो इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर कैसे निकालेंगे। देखो 4 कितने बार आया है, तो ठीक है 4 बार, तो 4 × 4 16, ठीक है, 1 कैरी किया आप, ठीक है, फिर कितना 4 × 3, 3 बार आ रहा है 4, तो कितना हो गया 12, 1 कैरी 13, 4 कितनी बार आया है 2 बार, 4 × 2 = 8, 1 कैरी 9, और 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36। अब देखो विदाउट पेन कैसे करेंगे, 4 कितनी बार आया है 4 बार, ठीक है 4 बार आया, तो 4 × 4 = 66 ले लिया, 1 कैरी किया, 4 कितनी बार आया 3, तो 4 × 3 = 12, 12 वहाँ से आ गया, 1 वहाँ से आया 3, ठीक, तो 6 3। अब 4 कितनी बार आया 2 बार, तो 4 × 2 = 8, 8 और 1 = 9, और 4 × 4 4 × 9 = 36। विदाउट पेन पेपर सेकंड में कर सकते हो, माइंड में कैलकुलेशन करनी है, ठीक, इतना टाइम हमें लगाना ही नहीं है। आपको पता है कितना टाइम ना तो हमें मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पाइए, कितनी बार आया 5, 5 बार, कितनी बार आया 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो देखो 5 5 बार आया, ठीक है, तो 5 × 5, ठीक है, 5 × 25, 5 दिखाई दे रहा ना, 4 बार आया 20, 2 यहाँ से गिरी था 22, 15 और 2 17, 10 और 1 11, 5 6 61 725, ठीक है, 61 725 कर सकते हैं हम, कुछ नहीं। देखो एक बार समझ लो, कुछ नहीं है, 5 5 बार, 5 5 25, 5, 2 कैरी किया, 5 4 बार, 5 6 20 और 2 22, 5 3 15, 15 2 17, अब कितना कैरी बचा 1, 5 2 10 और 1 11, ठीक है। देखो दोबारा देख लिया, 5 5 25, 5, 5 6 20, 2, 5 3 15 2 17, 5 3 10 और 1 11, ठीक है, और 5 और 1 6, तो आंसर कितना आ गया आपका 61 725, ठीक है, 61 725 आ गया ना। नेक्स्ट पाइए, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 3 चौका, देखो 4 3 2 1, 3 चौका 12, 2 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 3 6 और 1 7 और 3 37 02, क्या आंसर आ गया आपका विदाउट पेन करना है। 3 कितनी बार आया 4 बार, 3 चौका 12, 2, 3 बार, 3 3 9 और 1 10, 3 2 6 और 1 7, 3 और 3, तो 3 7 0, कुछ ही सेकंडों में कर पाओगे। नेक्स्ट है, इसको कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पॉइंट लगा दिया, कुछ नहीं, पॉइंट लगा दिया तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इसमें लीस्ट टू हाईएस्ट चलो, कम से ज़्यादा की तरफ, तो 6 1 बार, यहाँ 6 कितनी बार आया है 2 बार, तो 6 2 = 12, 1 कैरी, 6 3 = 18 और 1 19। अब हाईएस्ट पर देखो कितने, 3 अंक बाद, 1.926, कोई परेशानी आता,
सबको समझ में आया। नेक्स्ट चलो, दो बार ठीक है, और आगे ले लो एक बार आ जाए, एक दो तीन चार, तो देखो कम से ज़्यादा की तरफ चलना है, फोर दो बार एट, फोर्टी ठीक है, चार तीन बारह, दो चार चौका सोलह और एक सत्रह, कितने अंक बाद है, एक दो तीन चार, दस अंक, तो चार अंक ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 1.7284। तो बताइए कैलकुलेशन में कोई यहाँ तक परेशानी आई आपको, कोई परेशानी नहीं ना, कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं ऐसी ही और कैलकुलेशन के लिए ठीक है। हम और वीडियो लाएंगे, अब यदि आपको जब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम सिंप्लीफिकेशन में और अच्छी सी वीडियो ला सकें ठीक है, और आपके लिए कैलकुलेशन को बहुत आसान बना सकें, मतलब चुटकियों में कैलकुलेशन कर सकें। तो इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, यहाँ तक ये आप शेयर कर सको, और इस अभी स्क्वायर रूट क्यूब रूट ठीक है मल्टीप्लिकेशन सब की वीडियो धीरे धीरे आपके पास ठीक है इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिएगा ठीक है। ओके थैंक यू बाय।